नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज का शो जरूर देखिएगा। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश रहे दाता, माता रानी सदा सुखी रखे। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर और तीर्थ जाते हैं, लेकिन हर किसी की मुराद पूरी नहीं होती। कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि बुरे परिणाम तक भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये अब नहीं होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी मनोकामना पूरी करने वाले पूजा पाठ की। पहले आज के विषय जान लेते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली पूजा क्यों नहीं हो रही है सफल। कुंडली से जानिए आपको किसकी पूजा करनी है। किन लोगों को पूजा पाठ से मिलते हैं अशुभ फल। पूजा पाठ से आपको कैसे मिलेगी सुख समृद्धि। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल बताएंगे। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल पूछिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज किसी न किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है और कामकाज स्थिर रहेगा। मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर के बुजुर्गों का तो सुख प्राप्त होगा, नई मित्रता भी कायम हो सकती है, परंतु कामकाज को लेकर के मन के अंदर खिन्नता देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और खर्चे पर नियंत्रण रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार और मित्रों के साथ में यात्राएं संभव हो सकती हैं। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी और भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव, आज हम बात पूजा पाठ की कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि हमारे जीवन में पूजा पाठ का महत्व आखिर क्या है। बहुत सारे लोगों को ये मन से एक चाह उठती है कि जो उनको कोई नहीं दे सकता वो भगवान दे सकता है। हाँ, ये बात सत्य है, परंतु इसका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस तरीके से हमें जहां पहुंचना चाहिए, पूजा पद्धति जो अपनानी चाहिए, अगर उसको भूल के अगर आप सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि आजकल हर मुंह के ऊपर नजर आता है कि नहीं हमने जैसे किया परमात्मा तो जानता है, हमने तो सच्चे दिल से किया। बेटा, जो ट्रीटमेंट होता है, जो विधि होती है, विधान होता है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि परमात्मा जानता है जो हमने किया सच्चे दिल से किया है और जैसा भी किया वो अच्छा ही होगा। ना, ऐसा नहीं होता बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल पूजा पाठ हम करते हैं, मान लो हम भजन सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब कुछ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए, एक सामाजिकता के अंदर बने रहने के लिए, अपने घर के अंदर संस्कार बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा धार्मिक क्रियाकलाप सिखाने के लिए और अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए और समाज में अच्छा चलने के लिए हम ये जो पूजा पाठ करते हैं ये उत्तम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए, और ये होने भी चाहिए क्योंकि इससे समाज का एक कट बनता है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति बनती है, एक दूसरे के साथ मेलजोल बनता है। ये सब कुछ उत्तम है और जब तक हम ये भजन वगैरह की गायकी करके अपने दिल को नरम रखते हैं, ऐसे में दूसरों के ऊपर दया करना, दया भाव रखना, दूसरों की मदद करना, ये भाव भी भजन के साथ में हमारे मन में अपने आप आता है। पूजा पाठ और तपस्या दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बेटा। लेकिन आज की भ्रांति ये है कि आप पूजा पाठ करो, परमात्मा का नाम लो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बेटा, बिना तपस्या के आज तक किसी को कुछ मिला है?
क्या कोई पहलवान बिना वर्जिश किए और घंटों घंटों दिनों दिनों और महीने के महीने जब वो अपने शरीर को मेहनत की आग में झोंकता है तब जाके कुश्ती लड़के आता है और जीत के आता है। कोई भी अफसर है अगर जब तक वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी पूरी ट्रेनिंग नहीं कर लेता क्या वो अपनी अफसरी पे पहुंच पाता है? जो बच्चे लिखाई पढ़ाई 25-25 साल करने के बावजूद भी कई बार रह जाते हैं और कई लोग पार होते हैं और बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, बेटा ये तपस्या ही तो है, उसी का फल तो पाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अध्यात्म में भी आपको जिस चीज की जरूरत है उससे संबंधित जो देवी देवता है और उस देवी देवता को खुश करने के लिए, वो ताकत पाने के लिए जो हमारे क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, जो विधान लिखे हुए हैं, जो व्रत लिखे हैं, जो मंत्र लिखे हैं, जो यज्ञ लिखे हैं, जब तक आप उनको नहीं कर लेते फल की कामना करना बेकार है। हाँ, अगर वो आपके भाग्य में है और जिस समय के ऊपर है तब तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके वो भाग्य में नहीं है तब तो बिना इस तपस्या के उसको पाना संभव नहीं है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे रावण ही लगा लीजिए, उसने कितनी देर कैसे कैसे उसने तपस्याएं करके भोलेनाथ को खुश किया, ब्रह्मा जी को खुश किया। इसी प्रकार से हमारे चाहे राम भगवान को आप लीजिए या किसी भी तरह के ऋषि मुनि को लीजिए जिनके पास अलौकिक ताकतें रही हैं, आप किसी का भी नाम लीजिए, बेटा बिना तपस्या के कोई भी आज तक संभव नहीं कर पाया कि वो कुछ बन गया हो। ठीक है, इसी प्रकार बेटा अगर अब आपको कुछ चाहिए और जो आपको नहीं मिल रहा है तो जब तक बेटा उससे संबंधित पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत और यज्ञ नहीं होते तब तक उसको संभव नहीं किया जा सकता। जैसे जब राजा दशरथ के यहां पर 3-3 शादियां करने के बावजूद भी औलाद नहीं उत्पन्न होती थी तो तब मुनि वशिष्ठ जी ने उनको एक सुझाव दिया और उस यज्ञ का आयोजन किया गया। वो यज्ञ हो जाने के बाद में तब उनको फल की प्राप्ति हुई और उनको 4-4 पुत्र मिले। ये एक विधान था जिससे कि यह संभव हो सकता था। इसी प्रकार से अगर आज की डेट में मान लो कि आपका शरीर बिल्कुल खराब हो रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं आप पहलवान बने, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको सही मायने में हनुमान जी की वो भक्ति करनी पड़ेगी जो शास्त्रों में लिखी है। मंगलवार का व्रत पूरे विधि विधान पूर्वक करना है। वैसा व्रत नहीं करना जैसा आजकल करते हैं कि रात को जैसे ही 12:01 होता है तो खाने की थाली सामने रख के सब कुछ खा जाते हैं, बेटा ये व्रत नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में पंचांग चलता है, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर और अगले दिन के 5 बजे तक एक ही दिन काउंट होता है। तो जो व्रत होता है वो आज सुबह 4:30-5 बजे से शुरू होता है और वो अगले दिन 4:30-5 बजे तक का व्रत तो पक्का माना ही जाता है। और जो लोग रात को 12 बजे खाना खा लेते हैं, बेटा वो व्रत तो जरूर रखते हैं पर उनका व्रत वो बिल्कुल नहीं काउंट होता, नंबर एक। फिर इसके अंदर जो सात्विकता होती है, अब हनुमान जी का व्रत है तो बेटा लाल रंग के वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, पूरा दिन स्वच्छता रखनी पड़ेगी, आप घर से बाहर निकल के कोई झूठ फरेब के साथ कोई काम नहीं कर सकते, आपको दया भाव रख करके दूसरों को माफ करना ही पड़ेगा। दिन के अंदर जो खाना है और जितनी बार खाने का लिखा है, जो कि सुबह के वक्त में और उसके बाद में सूर्य अस्त के आसपास, तब आपको जो खाना है वो मीठा ही खाना है। किस प्रकार का खाना है, किस प्रकार का बना होना चाहिए, ये सब हमारे यहाँ किताबों के अंदर वर्णन मिलता है। बेटा जब तक बेटा ये वाले व्रत नहीं किए जाते और जितनी बार के लिखे हैं उतनी बार तक के नहीं किए जाते फल पाने के लिए, तब तक व्यर्थ है सब कुछ। जैसे बहुत सारे व्रतों के अंदर, जैसे मान लीजिए प्रदोष का ही लगा लीजिए, प्रदोष के व्रतों के लिए अलग अलग विधान है। उसके अंदर साफ तौर पे लिखा जाता है कि अगर आपको मकान की और सुखों की कामना करनी है तो वो शनिवार वाला होना चाहिए, अगर आपको ये औलाद के सुख के पानी है तो ये फलाने नक्षत्र के अंदर शुरू होने वाला
जो व्रत होगा उसको आपको करना चाहिए। इस तरह से हर किसी की अलग अलग विधि का वर्णन है, लेकिन लोग उसमें ना जाकर के डायरेक्टली कहते हैं हमने सोमवार का व्रत रख लिया, हमने मंगलवार का रख लिया, हमने शुक्रवार का रख लिया और रात को 12 बजे खाना खा लेते हैं, पंगा खत्म। तो बेटा ये आप सब लोग अपने ही शास्त्रों के साथ, अपने ही धरोहर के साथ, अपनी ही संस्कृति के साथ एक तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिसके अंदर जब आपको फल प्राप्त नहीं होते तो अपने ही धर्म की एक तरह की बदनामी बनती है। ये बिल्कुल गलत है। अज्ञानता आपकी, अपनी अज्ञानता के कारण आप अपने इन संस्कारों को अधूरा कर रहे हैं और दोष विधि और विधान को दे रहे हैं। विधि और विधान इनके अंदर रत्ती भर दोष नहीं है बेटा, ये बिल्कुल परफेक्ट लिखे गए हैं और वाकई में परफेक्टली ये काम करते हैं और फल भी देते हैं। लेकिन जब आप परफेक्टली किसी एक जानकार से, एक अच्छे आचार्य से जब पूछ के इन विधानों को आप करते हो, तब आपको इस चीज के फल मिलते हैं। आज की डेट में भी बेटा जो लक्ष्मी मैया की पूजा एक वाकई में बहुत पुराने कारोबारी खानदान के अंदर चली आती है, आप अपने आसपास में देख लो कि किसी के यहां वैसी पूजा नहीं होती। उनके यहां आज भी दिवाली वाले दिन रात्रि से नहीं, दो दिन पहले से पूजा स्टार्ट होती है और उसके अंदर जितनी प्रकार की सामग्री, जितनी प्रकार के धूप दीप, जितनी प्रकार का हवन और जितनी प्रकार की पूजा लगनी होती है वो सब लगती है और उसी तरह का विधान पूरी तरह से अपनाया जाता है, तब जाके मां लक्ष्मी की पूजा संपन्न होती है। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है, 5 मिनट के लिए पंडित जी आते हैं, क्योंकि दिवाली वाले उसी 1.5-2 घंटे के अंदर पंडित जी की भी 6 बुकिंग होती है और 5 मिनट के अंदर स्वस्ति वचन बोल के आपकी आरती करा के, माता लक्ष्मी की आरती करा के वो चले जाते हैं। बेटा ये पूजा कोई पूजा थोड़ी होती है, समझे। ये आपको इसलिए आज बताया है कि आपका विधान, विधि, शास्त्र सब कुछ उत्तम है, आपके पास वो डॉक्टर नहीं है जो आपको बता सके, समझा सके, आज आपको बताया है। तो जब भी कोई भी आपको फल प्राप्त करना है तो पहले अपने आसपास कोई अच्छा आचार्य ढूंढ के उसके पास से ये पता करें कि सही मायने में विधि विधान क्या और किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, तब करें ये चीज। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आप अपना कामकाज मन लगा करके करना तो चाहेंगे, परंतु क्रोध के ज्यादा बढ़ जाने से किसी न किसी के साथ में परेशानी का कारण भी बन सकता है, मतभेद उभर सकते हैं और किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सुबह से तो समय अच्छा है, जिसमें कामकाज के अंदर लाभ दिखाई देगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बनी रहेगी, परंतु आज मित्रों के साथ अनबन हो सकती है और बेमतलब के विवाद पल्ले पड़ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी सुबह का वक्त तो अच्छा है, प्रसन्नता रहेगी मन में, घर में और यात्राओं पे जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, परंतु भाई बंधु या मित्रों के साथ अनबन हो सकती है, अचानक किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना है और मिथ्या आरोप भी लग सकता है। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम पूजा पाठ की कर रहे हैं, कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है आप कहते हैं, ऐसा क्यों और इसके लक्षणों को हम कैसे पहचाने। बेटा जबकि जन्म कुंडली के अंदर पापी प्रधान बन जाते हैं, पापी ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये जब बेटा प्रधान बन जाते हैं और जन्म कुंडली का खास तौर पे कर्म का क्षेत्र जब इनके अधीन हो जाता है, उस वक्त में अगर पूजा पाठ कर दी जाए, यानी कि आदमी अगर चुस्ती, चलाकी, तेजी और सख्ती से काम लिए बिना अगर जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहे और पूजा पाठ में पढ़ के अगर अपने आप को पूरा सात्विक करते 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 माफ करने की प्रवृत्ति में चला जाए, दान पुण्य करने की प्रवृत्ति में चला जाए, अच्छापन ढूंढने लगे, तो इंसान खत्म हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे अभी इनको बताया, पूरा सात्विक करते 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 माफ करने की प्रवृत्ति में चला जाए, दान पुण्य करने की प्रवृत्ति में चला जाए, अच्छापन ढूंढने लगे, तो इंसान खत्म हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे अभी इनको बताया, शनि इनका कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ है स्वयं, अब पापी प्रधान कुंडली हो गई,
अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर ये बृहस्पति यानी कि पूजा पाठ दान पुण्य लोगों का भला करना किसी को कड़वा ना बोलना अगर ये इस प्रवृत्ति के अंदर चले गए और जाकर के ये अपने गुणों को जो शनि के गुण इनके अंदर कूट कूट के भरे हुए उनको ये दबा गए तो बेटा ये काम ही नहीं कर पाएंगे। कारण ये कि ये सारे काम शनि से संबंधित ही कर सकती हैं और ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति को प्रबल कर लेना यानी कि शनि के गुणों को मार देना तो ऐसे में कामकाज के अंदर सक्सेस मिल ही नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से अगर बृहस्पति भी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ हो इंसान बृहस्पति की यानी कि पूजा पाठ बढ़ाने लगे तो शनि का गुण जागृत होता ही नहीं और इस दुनिया के अंदर बिना चलाकी बिना चुस्ती चलाकी बिना तेजी के कुछ भी संभव नहीं है। यह बात सचमुच में पक्की है और 100% पक्की है। इसीलिए कमाई पूरी तरह से व्यापारिक बुद्धि के साथ तेजी चुस्ती चलाकी के साथ प्लान बना करके तब करनी चाहिए और जब अच्छापन दिखाने की बारी आए किसी पे नरम दिली दिखानी है तो उस वक्त में थोड़ी देर के लिए हमें अपना दिल और दिमाग भगवान को दे करके एक सच्चे मन के साथ वो कर लेना चाहिए। जब तक आप ये बैलेंस बना करके नहीं चलोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से ही आप सोचो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेंगे बड़ी बड़ी मशीनरियां खड़ी कर लेंगे नाम बहुत रोशन करेंगे अपना ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव सिर्फ उस क्षेत्र में हो सकता है जहां पर इंसान की दुकानदारियां हो और एक आदमी 2-3-4 तरह के शोरूम और दुकानदारी उसकी पहले से ही खुली हुई है तब आदमी सात्विक माहौल के अंदर रहते हुए पूजा पाठ करते हुए जितना चलेगा वो और फलेगा। लेकिन जिस इंसान को आज ही उठना है और गरीबी के दर्जे से उठ के ऊपर निकलना है उसको शनि का सहारा जरूर चाहिए। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य राहु का इकट्ठा होना सूर्य शनि का इकट्ठा होना या फिर चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र केतु का इकट्ठा होना या चंद्र राहु का इकट्ठा होना अगर ये योग है तो तब भी बृहस्पति खराब होता है बेटा। तो ऐसे में इंसान सेल्स से संबंधित जितने भी काम है उन्हीं के अंदर परफेक्ट होता है यानी कि जिसके अंदर सच झूठ सब कुछ बोला जाता है और उसी के अंदर ये कमाई कर सकता है। अब ऐसा इंसान भी अगर ये सीखने लग गया कि झूठ बोलना पाप है और किसी को बात कहते हुए अगर वो रुक जाएगा अपनी चीज की सेल ज्यादा खूबियां बढ़ा करके नहीं करेगा तो उसको रोटी कौन देगा बेटा, क्योंकि यहां पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सेल्स के गुण देते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा अपनी कुंडली के अनुसार अपनी क्वालिटियों को जान करके अगर आप अपने कार्य में उतरते हैं तो वो आपको फल देगा। अच्छा, आंख बंद करके पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाना ये कई बार अपने लिए घातक हो जाता है और जिनके सीधे साफ सिंपल सात्विक काम है और वो अपने कामों से सेटिस्फाई है वो पूजा पाठ में रहे कोई दिक्कत नहीं हो। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे लेकिन इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से अनीता गोयल हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए फिर सवाल पूछिए। मेरा जन्म तिथि 30/5/1962 है। जनम समय 3:12 AM और जन्म स्थान सरगुना। मेरे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, काफी समय से वजन भी बहुत बढ़ा हुआ है, काफी इलाज कराया मगर कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा, कृपया करके कोई समाधान बताएं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर ये जो राहु की दशा और राहु 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ कहते हैं ये औरत जात के लिए वाकई में बहुत खतरनाक होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद लगातार धीरे 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 करके बीमारी के योग बनते हैं और चंद्रमा 12वें स्थान पर होने के कारण ये योग वाकई में बहुत प्रबल होते चले जाते हैं जिसके कारण दवाइयों के ऊपर लगातार खर्च बन के रहते हैं और शरीर बिगड़ता जाता है और इसके अंदर जगह जगह के दर्द भी शामिल है और रात को नींद ना आना ये भी प्रॉब्लम ये पैदा करते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर एक और पितृ दोष तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य का धन बापे होना जो ये साबित करता है कि घर के अंदर औरतों को सुखी नहीं ये रहने देगा और साथ में शारीरिक कष्ट बनाएगा और पैसा जो आएगा एक तरह का उसको आग लगेगी जलेगा खर्च होगा। इसीलिए शुरुआत जो अब तुमने करनी है तो कहां से करो, सबसे पहले कालसर्प दोष का इलाज करो और उसके लिए साल में एक बार कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके पहले वो भरो, फिर
फिर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डालो और उसके बाद देसी घी को गर्म करके उस हलवे के ऊपर और नाग नागिन के जोड़े के ऊपर डाल दो। अब वो जो ऊपर तैर रहा घी होगा उसके अंदर अपना मुंह दे करके राह चलते किसी भी गरीब आदमी को कटोरे सहित दान दे। ये तो साल में एक बार उपाय करना है। और इसके बाद जो तुम्हारे घर की दहलीज है, मेन एंट्री है, वो जितनी बड़ी हो वहां पर बेटा आधा इंच चौड़ा और बाकी जितनी लंबी दहलीज इतना लंबा चांदी का पत्रा वहां पर लगाओगी तो ही ठीक होगा। तीसरा वो ये कि पति पत्नी दोबारा फेरे ले, यानी अपने घर पे पंडित जी को बुला के शुभ मुहूर्त में किसी में भी पति पत्नी दोबारा फेरे ले लो, बेटा घर से बीमारियां जाती नजर आ जाएगी। लेकिन अब भी एक योग बचा हुआ है जो शुक्र का पितृदोष है, इसको ठीक करने के लिए साल में एक बार 100 गायों को इकट्ठे, यानी कि किसी भी गौशाला में ऐसी में चली जाना जहां पर 100 गायें तो कम से कम हो, 100-110 गायें, उनको जाकर के इकट्ठे तुमने चरी या ज्वार उनको साल में एक बार डाल के आनी है। ये अगर तुम करती रही तो बेटा घर में धन भी जुड़ेगा, सुख समृद्धि पूरी तरह से रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों का सुख अच्छा प्राप्त होगा। और अगर ये उपाय नहीं रहे तो बेटा तुम्हारे तो स्वास्थ्य का हाल खराब ही है, साथ में बच्चों के सुख से संबंधित बढ़ती उम्र के साथ में तकलीफें वो भी झेलने को मिलेंगी। तो ये उपाय करो और सुखी रहो। और इसी के साथ हम इर्वाद पहला सवाल ले, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन हर तरह से उत्तम है, परंतु धन की चिंता बनी रह सकती है। वैसे आज के दिन आपको परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, कामकाज भी ठीक ठाक चलेगा, मन में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, परंतु धन की चिंता और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद के लिए दिन उत्तम है, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए अच्छा समय है आज, मित्रों की मदद मिलेगी, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वाले अगर आज अनजाने व्यक्तियों के साथ बहस से बचें और क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो आज का दिन उत्तम होगा, आपका कामकाज उत्तम बना रहेगा, परिवार का सुख और सहयोग भी मिलेगा। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम पूजा पाठ की कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को आप यही जरूर बताइए कि किस चीज को पाने के रखें तो आज का दिन उत्तम होगा, आपका कामकाज उत्तम बना रहेगा, परिवार का सुख और सहयोग भी मिलेगा। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम पूजा पाठ की कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को आप यही जरूर बताइए कि किस चीज को पाने के लिए हम कौन से भगवान की पूजा करें। बिल्कुल ठीक कहा राजे, आप सब लोग वैसे तो मन से जानते हैं लेकिन जब करने लगते हैं तब भूल जाते हैं। कैसे? आपको पता है कि विष्णु भगवान सही मायने में दुनियादारी के अंदर स्वास्थ्य देते हैं, बहुत अच्छी इज्जत देते हैं, नौकरी देते हैं, और जो लोग नौकरी पे रह के या किसी व्यवस्था का संचालन करना हो, सरकार के घर में नौकरी करनी हो, अफसर बनना हो, तो विष्णु भगवान की पूजा सबसे उत्तम फल देने वाली पूजा है बेटा। इसीलिए विष्णु भगवान से जुड़ी जो भी पूजा पाठ क्रियाकलाप है नौकरी वाले लोग उसको अपना ले या नौकरी पाने वाले उसको अपना ले बेटा, उनका मनोरथ सिद्ध होगा। चंद्रदेव, आप जानते हैं कि ये भोलेनाथ कि जो वाकई में राक्षसों को भी ऐसे वरदान दे देते थे कि जो अपने ऊपर भारी पड़ जाते थे, यानी कि भोलेनाथ की पूजा समृद्धि के लिए होती है। आप देखो कि रावण ने पूजा करी तो भोलेनाथ ने सोने की लंका भी दान दे दी, और राक्षस ने पूजा करी तो उसको ऐसा वरदान भी दे दिया कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर। ठीक है, तो बेटा भोलेनाथ की पूजा होती है मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, और रुपया पैसा और वाहन का सुख पाने के लिए। तो जो लोग भी इस तरह की कामना चाहते हैं बेटा, वो भोलेनाथ की पूजा करें। मंगलदेव, आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, वफादारी अपनाने के लिए, यारों दोस्तों का सुख पाने के लिए, भाइयों का सुख पाने के लिए, घर के अंदर निर्विघ्न मंगल कार्य हो, इसके लिए भी हनुमान जी की ही पूजा बहुत जरूरी है। इसी तरह से बुद्ध देव यानी कि मां दुर्गे, हमें पता है कि जो व्यापारी लोग हैं उनको बुद्ध की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर वो व्यापारी जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई संबंध नहीं,
वो बना बनाया माल लेते हैं, अपनी दुकान पे रखते हैं और रख करके जो बेचते हैं, बेटा इन सबको बुद्ध देव यानी कि माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और माता रानी की पूजा में जो सबसे खास चीज है वो है कन्या पूजा, यानी कि छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करना, उनको खाने को देना, उनको लाल रंग के कपड़े ओढ़ाना, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र दे करके उनको खुश करना। इसके बाद में बृहस्पति देव ब्रह्मा जी, वो शराब के कारण जो प्रभु को मिला हुआ है, ब्रह्मा जी को मिला, इसके कारण धरती के ऊपर आप देखते हैं कि एक पुष्कर राज्य में उनका मंदिर है, इसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं बन रहा। लेकिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरु की पूजा, जिन लोगों को ज्ञान चाहिए, धैर्य चाहिए, अपने घर के अंदर शादीशुदा जिंदगी का सौहार्द चाहिए, और जिन लोगों को वाकई में सोने की यानी कि लाभ की कामना है, जिनको ऐसी प्रॉपर्टियां बनानी है, ऐसी जगह बनानी की जहां पर वो इन्वेस्ट करके उसके किराए खा सके या ब्याज खा सके, उन लोगों को अपने गुरु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और गुरु को अच्छा रखने के लिए गुरु की पूजा का विधान बहुत जरूरी है। शुक्र यानी कि मां लक्ष्मी, जिसको पति पत्नी वाला सुख चाहिए, जिसको अपने शरीर के अंदर परिवार को बढ़ाने वाला जोश चाहिए, और जिसको अपनी जिंदगी के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी ताकत और दिमाग चाहिए, उसको सही मायने में शुक्र की यानी कि मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और जब मां लक्ष्मी की पूजा होती है, साथ में कामधेनु गाय की पूजा का भी पूरी तरह से विधान है। इसीलिए मां लक्ष्मी की पूजा तब तक पूरी तरह से संपन्न नहीं मानी जाती जब तक गौ सेवा न। और जिसको मकानों के सुख, इंडस्ट्री के सुख चाहिए, जिस इंसान को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करनी हो, उस इंसान को भैरव जी को पूजना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब औलाद का सुख अगर पाना हो, अगर अपने अच्छे स्वास्थ्य यानी कि हड्डियों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और प्लस अपनी कंपनी का नाम बहुत ऊंचा करना हो और अपना लोगो उसको बढ़ाना हो, अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपना नाम बहुत कमाना हो, तो बेटा गणपति जी की पूजा। क्योंकि गणपति जी ने क्या किया था, आपको सबको पता है कि जब सब देवताओं के अंदर ये होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ, तो तब भोलेनाथ ने एक प्रतिस्पर्धा रखी थी कि जो इस ब्रह्मांड के सब तरफ चक्कर लगा के और वहां से एक एक चीज लेकर के आएगा, और जो पहले पहुंचेगा उसी को देवताओं के अंदर सबसे पहले पूजनीय बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, सब लोग निकल पड़े अपना अपना पराक्रम दिखाने, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के ही आसन के चक्कर लगा के उनको प्रणाम किया कि आप ही मेरे पूरे ब्रह्मांड है, आप ही मेरे माता पिता है, आप ही मेरे भगवान है, सब कुछ आप है, तो मैं इनका चक्कर लगाने क्यों जाऊं। यानी कि बुद्धि का प्रयोग, ये बुद्धि प्रयोग, ये मीठापन, ये धैर्य और ज्ञान जो छोटी बात के अंदर बड़ी बात को साबित कर सके, ये बुद्धि गणपति जी की पूजा ही देती है। और भैरव जी जितने टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी काम है बेटा, उनमें कहीं पर भी अगर सक्सेस पानी हो तो बिना भैरव जी की पूजा किए हुए ये संभव नहीं कर सकते। इसीलिए या तो कुदरती विरासत में मिला हो कुंडली में, अगर विरासत में कुंडली में नहीं है और दिमाग इतना नहीं चल पाता और टेक्नोलॉजी के जो आइडिया आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे, तो बेटा भैरव जी की पूजा करके देखो और अपने आप सारे मनोरथ सिद्ध होने लगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वाले आज अगर अपनी संगति को खराब नहीं होने देंगे और उस पर धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दिन उत्तम होगा। फिर आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा तालमेल बैठा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। धैर्य बना के रखें, परमात्मा को याद करें, अगर हो सके तो किसी प्रकार का अन्न का दान करें आज, क्योंकि आज किसी से बेमतलब की बहस हो सकती है, मन में खिंता बनी रहेगी, क्रोध बढ़ा रहेगा और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, और चिड़चिड़ापन किसी काम में मन नहीं लगने देता।
मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी कोई खास अच्छा दिन नहीं है। अगर तो आज आप अपने पूरा दिन कार्य में मन लगा के रखते हैं तो ही दिन उत्तम गुजर सकता है, वरना मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जिसके कारण किसी न किसी के साथ मन मुटाव वाली स्थितियां देखने को मिलेंगी। व्यवहार में गुस्सा बढ़ता दिखाई देगा, इसलिए पूरा दिन अगर काम में लगा के रखें अपने मन को तो ज्यादा उत्तम होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, साथ ही साथ आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम राजकुमार है, जन्म भूमि जम्मू है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1969, सुबह 5 बजे का टाइम है। मेरी समस्या ये है, मैं काम बहुत करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, जनरल स्टोर है मेरा, लेकिन मेरी समस्या मेरा सर्कल नहीं चलता, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बेटा तुम्हारी जो जन्म कुंडली है उसको मैं ये कह सकता हूँ खट्टी और मीठी दोनों तरह की है। कहने का मतलब एक तरफ योग शनि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हर तरह की तेजी, चुस्ती, चलाकी और बिजनेस की बुद्धि सब कुछ देगा। वो बात अलग है कि ये शनि अंदर ही अंदर डराते भी बहुत है, लेकिन ये तुम्हें वो सब कुछ दे रहा है। सातवें घर का बैठा हुआ चंद्रमा ये भी कह रहा है कि नगद धन के लिए कुंडली बहुत अच्छी रहेगी, जायदाद भले ही कम हो, ये भी अच्छा योग है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर बैठे हुए मंगल देव, जिनके लिए कहा जाता है कि पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ तीनों के अंदर ये हालात को अच्छा नहीं रखते, और बढ़ती उम्र के साथ में अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ता चला गया तो मामले बहुत ही खराब होंगे। सूर्य बुध शुक्र का मेल है, ये लग्न का है, ऐसे में अगर पति पत्नी दिन के समय में एक होंगे तब भी मामला बहुत खराब होगा, और अगर तुम्हारे जीवन साथी यानी कि पत्नी अगर गुड़ खाएगी तो उसके अपने स्वास्थ्य और गुस्से के लिए भी हालात खराब होंगे। अगर तुम घर में पक्षी पालोगे तब भी मामले बहुत बिगड़ेंगे, और अगर तुम अंडे या शराब मांस का इस्तेमाल करते हो तब तो हालत बहुत ही खराब होगी। इसीलिए बेटा इन चीजों से तुम्हें परहेज करके चलना है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले अपने घर के अंदर एक कुत्ता पालो और अपना कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करो। दूसरा, 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करो, और उसके बाद हर शनिवार को 800 ग्राम उड़द साबुत लेके मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर बेटा दान देना शुरू करो, ठीक है। फिर मंगल का उपाय, मंगल के उपाय के लिए तुम्हें मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है, और साथ ही अपनी पत्नी के वजन के बराबर चावल की बोरी, सुतली वाली, वो आजकल की केन वाली आती है वो नहीं रखनी बेटा, क्योंकि उसमें से स्मेल बाहर नहीं आ पाती, सुतली वाली चावल की बोरी लेकर के उसको अपने घर पे रखो। मात्र इतने से उपाय करके देख बेटा, तेरा काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, नगद पैसा बहुत अच्छा आएगा, किसी तरह की और दिक्कत नहीं होगी। और इवन यही नहीं, जब ये उपाय किए हुए तुम्हें लगभग साल बीत रहा होगा उस वक्त में तुम्हारे नए काम भी खड़े होंगे जो तुम्हें आगे चल के बहुत अच्छे और भी सुख देंगे। इन उपायों को करो और सुखी रहो। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कर दीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हमेशा की ही तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा आज बात चल रही थी पूजा पाठ की, अपने भगवानों से फल लेने की, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप पूजा पाठ का विधान अपनाएं, उन दिनों में अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लें कि अब हमें एक तरह का उपवास करना है, हमें विधान बनाने हैं, हमने एक तपस्या करनी है। जब तक आप अपने मन को इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर लेते और उसको आप कायम नहीं कर लेते तब तक आपकी ये तपस्या सफल नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि चलिया करते हैं, और चलिए के अंदर वो सुबह 3 बजे उठते हैं,
और 4-5 बजे तक मंदिर में पहुंच के उनके द्वार खोल के और जो विधि विधान वो सोचते हैं वो करते हैं। बेटा ये होती है तपस्या। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक नियम बनाया होता है कि जब तक परमात्मा का ये वाला कर्म हम नहीं कर लेते तब तक एक जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बेटा ये होती है तपस्या। और ऐसे लोगों की परमात्मा मनोकामना जरूर पूर्ण करता है और जरूर उनको सुख देता है। तो इसीलिए आधे अधूरे ये पूजा पाठ और इन सब आरंभों से बचो। जो करना है वो पूर्ण तय करो। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि अगर वाकई में किसी कन्या को अपने अच्छे वर प्राप्ति के लिए सोमवार के व्रत करने हैं तो पहले वो ये सोमवार का जो व्रत है उसकी विधान की कथा की किताब खरीदे। उसके अंदर साफ तौर पे वर्णित है कि किन किन नक्षत्रों के अंदर वो व्रत शुरू करे तो उसको अच्छे वर का सुख मिलेगा। तो बेटा पहले वो पंडित जी से जाकर के वो नक्षत्र पूछे और वो सोमवार के दिन पढ़ना चाहिए और उस नक्षत्र के अंदर उसकी शुरुआत करके फिर उसका सही महीने में किस तरह पालन करना चाहिए, दिन में कितनी बार और सिर्फ क्या चीज खानी चाहिए और किस वक्त में कौन सा पाठ करना चाहिए। बेटा अगर ये आप पूरी चीज नहीं अपना सकते, ये पूरी विधि नहीं अपना सकते तो अध्यात्म को बदनाम मत करो। समझे, ये बहुत बड़ी विधि है जो वाकई में नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। इसीलिए बेटा ये करो, जरूर करो, लेकिन तपस्या के साथ करो। इसको सिर्फ अपनी आत्मिक खुशी के लिए मत करो। बस आज का गुरु मंत्र यही बेटा कि परमात्मा के नाम पे भी कुछ काम करना, परमात्मा की तपस्या करनी हो तो परमात्मा के साथ जुड़ना। खुश रहो। तो आज का शो देखने के बाद आप सभी जान गए होंगे कि कौन से देवी देवता की पूजा करने के बाद आपको कौन से शुभ फल मिलेंगे। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दा। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।